गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है डिमेंशिया। पहली क्लास के अंदर अपन ने देखा था डिलीरियम के बारे में, और ये जो डिलीरियम एंड डिमेंशिया है ये ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। सो आज अपन डिमेंशिया के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके इंसिडेंस के बारे में, कॉजेज के बारे में, इसकी जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसके बारे में, और इसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ द डिमेंशिया। इट इज ए प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग अकरिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ब्रेन मैच्यूरेशन इन एडोलसेंस। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय डेफिशिएंट इन मेमोरी, थिंकिंग एंड बिहेवियर। जो मेमोरी है, याददाश्त है, थिंकिंग है, और बिहेवियर में डेफिशिएंसी आ जाना, डेफिशिएंट हो जाना, दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिमेंशिया। नेक्स्ट, दिस इज़ द मेडिकल डायग्नोस्टिक टर्म दैट डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय ए क्लस्टर ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट दैट आर जनरली ऑफ ग्रेजुअल ऑनसेट एंड इरिवर्सिबल। ये जो डिमेंशिया है इसके अंदर जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है जनरली ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, जो सिम्टम्स आगे वो वापस रिवर्स नहीं होते। देन नेक्स्ट, इट इज़ डिफ्यूज्ड ब्रेन डिसफंक्शन कैरेक्टराइज बाय ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव एंड क्रॉनिक डिटोरिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जजमेंट, ओरिएंटेशन, मेमोरी, अफेक्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी, कॉग्निशन एंड अटेंशन आर ऑल अफेक्टेड। देन डिमेंशिया इज परमानेंट लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। इसके अंदर डिमेंशिया के अंदर ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो परमानेंटली लॉस हो जाते हैं। इट हैज़ ए ग्रेजुअल ऑनसेट वीक टू ईयर्स, कुछ हफ्तों से लेकर साल तक का इसमें समय लग जाता है बढ़ते बढ़ते। हैज ए प्रोग्रेसिव कोर्स विद इंटैक्ट कॉन्शियसनेस, द इंटेलेक्चुअल मेमोरी एंड पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल आर सीवियरली अफेक्टेड, मोस्टली इट इज़ इरिवर्सिबल। दिस कंडीशन नॉर्मली अफेक्ट द एल्डरली। अदर टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब डिमेंशिया, फर्स्ट क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम, देन क्रॉनिक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। क्लासिफिकेशन ऑफ द डिमेंशिया, प्राइमरी डिमेंशिया, सेकेंडरी डिमेंशिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइमरी डिमेंशिया जो है आर दोज इन विच द डिमेंशिया इट सेल्फ इज द मेजर साइन ऑफ सम ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी अदर ऑर्गेनिक इलनेस, एग्जाम्पल अल्जाइमर डिजीज। जो मेन जो रीजन होता है, अदर जो सिम्टम्स जैसे अल्जाइमर डिजीज होने के, मेन कॉज डिमेंशिया ही रहता है और एनी अदर कॉज नहीं होता है। सेकेंडरी डिमेंशिया के अंदर देखते हैं कि आर कॉज्ड बाई और रिलेटेड टू अनदर डिजीज और कंडीशन सच एज HIV और सेरिब्रल ट्रॉमा। सेरिब्रल ट्रॉमा या HIV के कारण भी सेकेंडरी डिमेंशिया है जो डेवलप होता है। नोट, कीप इन माइंड दैट ए पर्सन विद डिमेंशिया में ऑल्सो बिकम डिलीरियस, जो पेशेंट है वो डिलीरियस हो जाता है। देन इंसिडेंस, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ओवर 5% ऑफ पीपल ओवर एज 65 हैव सीवियर फॉर्म ऑफ डिमेंशिया। 12% ऑफ एल्डरली सफर फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट सीवियर। प्रोग्नोसिस फॉर दिस डिजीज इज पुअर, इसका जो प्रोग्नोसिस है इस डिजीज का काफ़ी ज़्यादा पुअर है, काफ़ी पेशेंट जो रिकवर नहीं हो पाते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिमेंशिया आर, फर्स्ट मेमोरी इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव डेफिशिएट सच एज इम्पेयर्ड लैंग्वेज एबिलिटीज, डिक्रीज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, डिक्लाइन इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। देन टाइप्स ऑफ डिमेंशिया, अकॉर्डिंग टू DSM-IV TR देर आर 5 types of डिमेंशिया APA 2000। दीज आर, फर्स्ट डिमेंशिया ऑफ द अल्जाइमर टाइप्स, अल्जाइमर टाइप्स का फर्स्ट डिमेंशिया, देन वस्कुलर डिमेंशिया, देन डिमेंशिया ड्यू टू अदर जनरल मेडिकल कंडीशन, सब्सटेंस इंड्यूस्ड प्रसिस्टिंग डिमेंशिया, देन डिमेंशिया ड्यू टू मल्टीपल एटियोलॉजीज। हाउएवर दीज टाइप्स डिमेंशिया कुड बी ग्रुप्ड इन टू टू मेन फॉर्म्स,
फर्स्ट इज सेनाइल डिमेंशिया, देन सेकंड इज प्री सेनाइल डिमेंशिया। देन व्हाट इज द सेनाइल डिमेंशिया एंड प्री सेनाइल डिमेंशिया के बारे में डिटेल के अंदर देखेंगे, क्या सेनाइल डिमेंशिया होता है, देन प्री सेनाइल डिमेंशिया क्या होता है। फॉर्म्स सेनाइल डिमेंशिया, द एज रेंज फ्रॉम दिस कंडीशन इज यूजुअली 60 ईयर्स एंड अबव, 60 साल या 60 साल से ज़्यादा के लोगों को ये होता है मोस्टली। इट इज़ ए प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन मार्क्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी, इसमें प्रोग्रेसिवली जो ब्रेन है, जो मेमोरी है, उसका डिस्टर्बेंस होता जाता है। मेंटल चेंजेज मे बी प्रोफाउंड, मेमोरी मे बी पुअर, स्पेशली फॉर रिसेंट इवेंट्स, इम्पेयर्ड जजमेंट, इमेजिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड अटेंशन आर कॉमनली प्रजेंट। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, इमेजिनेशन है, जजमेंट है, ये सभी प्रजेंट रहते हैं। एज वेल एज एपिसोडिक एक्साइटमेंट, डिलीरियम, एक्सप्रेशन, डिल्यूजन एंड हलिसिनेशन, फिजिकल स्टेमिना इज डिमिनिश्ड, ट्रेमर, फिजिकल एंड मेडिकल मेंटल स्लगिनेस एंड रेजिडिटी आर कॉमनली सीन व्हेन बेसल गैंग्लिया आर सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, पार्किंसोनियन गेंट एंड ड्रॉलिंग पोस्चर मे बी अपरेंट। देन इन सेनाइल साइकोसिस द फ्रंटल लोब ग्रेजुअली श्रिंक, जो फ्रंटल लोब है वो सिकुड़ जाती है, एंड द स्पेस प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाई देम इज फिल्ड अप विद सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड CSF secreted throughout the brain. There is evidence of cortical damage. The amount of cerebral atrophy varies from person to person. In some, the wearing process is more rapid and devastating, having been assisted perhaps by overwork, worries, syphilis, alcohol and other toxic substances. Additionally, much depends upon hereditary factors. Then, pre-senile dementia, जो pre-senile dementia है उसके बारे में देखते हैं। The age range from this condition is 40 to 50 years. 40 से 50 साल की उम्र के बीच में ये होता है। It is a steadily progressive disease with symptoms resembling those of senile dementia. Senile dementia के जो सिम्टम्स है उसके काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। इट्स सो इट्स सेल्फ इंसीडियसली लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, डिल्यूजन ऑफ सस्पिशन एंड प्रोसिक्यूशन विद ग्रेजुअल इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी अकर्स, डिटोरिएशन, इमोशनल एबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस आर फाउंड, फिजिकल अफेजिया, अप्रेक्सिया, पैरालिसिस, स्टीरोटाइप मूवमेंट्स मे ऑल्सो बी प्रजेंट। फर्दर रीडिंग सेनाइल डिलीरियम, senile, paranoid and depressive states. Then diagnosis, जो dementia का जो diagnosis है वो किस प्रकार करेंगे अपन। First of all, history from reliable family member, जो family member है patient के उनसे अपन history लेंगे। Then mental status examination MSE करेंगे। Then neurological test assess करेंगे उनको। Then psychometric test, then positron emission tomography PET scan, EEG, then CT scan, then autopsy. These are the diagnosis. Next, the causes of the dementia. Alzheimer disease is the most common cause of the Alzheimer, Huntington disease, Pick's disease, Parkinson disease, Creutzfeldt's Jakob disease, dietary deficiency, example vitamin B deficiency, head trauma, repeated head injury, sexual transmitted diseases, infection, HIV and AIDS or syphilis, intracranial infection, example brain, abscess, meningitis, intracranial tumors, space occupying lesions, alcohol and other toxic substances, example inhalants, then medication, sedatives, hypnotics and anxiolytics. ये जो ड्रग्स हैं वो डिमेंशिया कॉज करती है। देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एग्जांपल सीजर्स, देन फिजिकल इलनेस लाइक फीवर, डिहाइड्रेशन, सीवियर अनीमिया, देन मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोग्लाइसीमिया, देन रेस्पिरेटरी फेलियर, डीजनरेटिव प्रोसेस सच एज एजिंग।
देन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डिमेंशिया आर फर्स्ट हलुसिनेशन मे बी विजुअल और ऑडिटरी। जो हलुसिनेशन होता है डिमेंशिया के अंदर विजुअल और ऑडिटरी टाइप का होता है, पेशेंट को कुछ दिखाई देता है या उसको सुनाई देता है। डिल्यूजन मे बी इन द फॉर्म ऑफ दैट समथिंग हैज़ बीन स्टोलन आफ्टर ही हैज फॉरगॉटन द एग्जैक्ट एनवायरमेंट ही प्लेस्ड एन आइटम। पर्सन ऐसे सोचता है कि मैंने कहीं पे कोई चीज़ रखी थी और वो मैं भूल गया और वो वहाँ से चोरी हो गई। ही प्लेस्ड एन आइटम। ब्लेमिंग क्लोज अटेंडेंट्स फॉर स्टीलिंग। जो अपने क्लोज अटेंडेंट्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनके ऊपर वो क्या करता है, शक करता है। देन अनदर डिल्यूजन इज जेलसी वेयर ही एक्यूज़ हिज सोपियस ऑफ हैविंग एन अफेयर। जो उसकी वाइफ है या जो रिलेटिव है उनके ऊपर एक्स्ट्रा जो अफेयर होता है उसके ऊपर भी उसको डिल्यूजन महसूस होता है, डिल्यूजन शो करता है वो। पर्सनैलिटी चेंजेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज, इजी मेंटल फैटिगेबिलिटी, सेल्फ सेंटर्ड, विथड्रॉन, डिक्रीज सेल्फ केयर। उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, लाइक लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डे टू डे एक्टिविटी, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रहता डेली की एक्टिविटी के अंदर। मेंटल फैटिगेबिलिटी, वो थका थका रहता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, खाली खुद के बारे में सोचता है। विड्रॉन, डिक्रीज सेल्फ केयर, और अपनी केयर भी खुद नहीं कर सकता। मेमोरी इम्पेयरमेंट, रिसेंट एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी इज क्रिटिकली अफेक्टेड। जो उसकी रिसेंट जो मेमोरी होती है और शॉर्ट मेमोरी होती है वो क्रिटिकली अफेक्टेड होती है, वो काफ़ी चीज़ें भूल जाता है हाथों हाथ की। देन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, डिसओरिएंटेशन, पुअर जजमेंट, डिफिकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड और कैलकुलेशन, डिक्रीज अटेंशन स्पान, कॉन्फेबुलेशन। देन अदर क्लिनिकल फीचर्स आर अफेक्टिव इम्पेयरमेंट, मूड स्विंग्स, लेबाइल मूड, इरेटेबिलिटी, डिप्रेशन। देन बिहेवियरल इम्पेयरमेंट, न्यूरोटिक साइकोटिक बिहेवियर, चेंजेस इन सेक्सुअल ड्राइव्स एंड एक्टिविटीज, स्टीरोटाइप्ड बिहेवियर, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, अफेजिया, अप्रेक्सिया, एगोनेसिया एंड सीजर्स एंड हेडेक, सन डाउनर सिंड्रोम, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, अटैक्सिया, एक्सीडेंटल फॉल मे अकर एट नाइट व्हेन एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज लाइट एंड इंटरपर्सनल ओरिएंटिंग क्यूज आर डिमिनिश्ड, कैटास्ट्रोपिक टेंडेंसी, एजिटेशन, अटेम्प्ट टू कंपनसेट फॉर डिफेक्ट्स बाई यूजिंग स्ट्रेटजी टू अवॉइड डेमोन्स्ट्रेटिंग फेलियर इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज सच एज चेंजिंग इन द सब्जेक्ट, क्रैकिंग जोक्स ऑन डाइवर्टिंग द कॉन्वर्सेशन। देन अदर सिम्टम्स ऑल्सो, इनकॉन्टिनेंस, देन स्वेलोइंग प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी परफॉर्मिंग टास्क दैट टेक सम थॉट बट दैट यूज टू कम ईजिली सच एज बैलेंसिंग ए चेक बुक, प्लेइंग गेम्स सच एज ओवर, लूडो, ब्रिज एंड लर्निंग न्यू इंफॉर्मेशन और रूटीन्स, गेटिंग लॉस्ट ऑन फैमिलियर रूट्स, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स सच एज ट्रबल फाइंडिंग द नेम ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट, फैमिलियर ऑब्जेक्ट है उनके नाम भूल जाता है, लूजनिंग इंटरेस्ट इन थिंग्स ही और सी प्रीवियसली एन्जॉयड, फ्लैट मूड, मिसप्लेसिंग आइटम्स, पर्सनैलिटी चेंजेज एंड लॉस ऑफ सोशल स्किल विच कैन लीड टू इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। अदर सिम्टम्स, चेंज इन स्लीप पैटर्न, डिफिकल्टी डूइंग बेसिक टास्क, फॉरगेटिंग डिटेल्स अबाउट करंट इवेंट्स, फॉरगेटिंग इवेंट इन हिज और हर ओवन लाइफ हिस्ट्री, लूजिंग अवेयरनेस ऑफ हू और सी इज, हैविंग हॉलुसिनेशन, arguments, streaking out and violent behavior, having delusion, depression, agitation, more difficulty reading and writing, poor judgment and loss of ability to recognize danger, using wrong word, not producing words correctly, speaking in confusing sentences, withdrawing from social contact, society से, social gathering से दूर रहता है। Patient with severe dementia may also exhibit the following symptoms. First,
डिफ़िकल्टी परफॉर्मिंग बेसिक एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग सच एज ईटिंग ड्रेसिंग एंड बाथिंग, जो डेली एक्टिविटीज़ है खाना पहनना और नहाना, ये सब डिस्टर्ब हो जाती है। डिफ़िकल्टी रिकॉग्नाइजिंग फैमिली मेम्बर्स, जो फैमिली मेम्बर्स को भी वो रिकॉग्नाइज करना बंद कर देता है। कैन नो लॉन्गर अंडरस्टैंड लैंग्वेज, और लैंग्वेज भी वो काफ़ी हद तक भूल जाता है, कुछ भी बोलता रहता है जिसका कोई कुछ भी मीनिंग नहीं होता है। देन बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिक सिम्टम्स रिड्यूस इनहिबिशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, एग्जाम्पल पेशेंट में अनड्रेस इन पब्लिक प्लेस के अंदर वो अपने कपड़े खोल सकता है। देन मिस इंटरप्रटेशन ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी क्यूज, एग्जाम्पल दे मे रेसिस्ट ट्रीटमेंट विच दे परसीव एज एन असॉल्ट, वो अपने ट्रीटमेंट को ऐसे समझता है कि मुझे कोई सज़ा दी जा रही है। इम्पेयर्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी, दे रिपीटेडली आस्क फॉर थिंग्स ऑलरेडी रिसीव, जो उनको चीज़ें मिल गई है उसके लिए भी वो बार बार बोलते रहते हैं। देन रिड्यूस्ड एबिलिटी और इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस नीड्स, एग्जाम्पल दे वॉन्डर बिकॉज दे आर लॉनली फ्राइटेंड और लुकिंग फॉर समथिंग और समवन। द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द डिमेंशिया, प्रोवाइड ए सेफ एनवायरनमेंट, मेक श्योर दैट लाइट्स आर ब्राइट एनफ, कीप मैचेस लाइटर्स ब्लीच पेंट्स इटीसी आउट ऑफ रीच ऑफ द पेशेंट, अरेंज द सराउंडिंग टू मिनिमाइज हजार्ड्स एंड टू प्रिवेंट फॉल्स, सब सुपरवाइज पेशेंट टू टेक मेडिकेशन, डू नॉट अलाउ हिम टू टेक मेडिकेशन अलोन, पेशेंट को कभी भी अकेले मेडिकेशन नहीं लेने देना है, हमेशा उसके साथ रहना है, उसको असिस्ट करवाना है। प्रॉम्प्टली रेस्पॉन्ड टू क्लाइंट्स कॉल फॉर असिस्टेंस, जो पेशेंट का जो कॉल है उसको असिस्ट करना है अपने को, क्योंकि जो डिमेंशिया वाला पेशेंट है वो रिसेंट मेमोरी उसकी चली जाती है तो मेडिकेशन दोबारा भी ले सकता है लेने के बाद में। नर्सिंग मैनेजमेंट कंटिन्यू रखते हैं, फैसिलिटेट एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, प्रोवाइड काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट फॉर स्लीप, कीप पेशेंट क्लीन एंड ड्राई, प्रोवाइड रेगुलर एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग द डे लाइक सिटिंग इन ए चेयर, वॉकिंग और अदर एक्टिविटीज, क्लाइंट कैन मैनेज टू इम्प्रूव स्लीप, मॉनिटर स्लीप एंड एलिमिनेशन पैटर्न, डिस्करेज डे टाइम नैपिंग टू हेल्प स्लीप एट नाइट। Then next, establish good interpersonal relationship, give clear, simple verbal instruction, verbal communication should not be hurried, ask questions that require yes or no, these are the best for patient, या हाँ और ना के अंदर ही क्वेश्चंस पुट अप करें और उसका आंसर हाँ या ना में ही हो तो पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। Always introduce the self and others with names, address patient appropriately by his name or title. Then facilitate adequate hygiene needs, first compliment and praise the patient when he looks good, encourage and help in cleaning teeth and bathing, attend to his grooming needs, check fingers and toes nails regularly, cut them if they are overgrow, remove the lock if patient have problem with the lock on bathroom door, remind the patient to attend to nature's call at regular intervals, just leave the toilet door open and leave a light at night to find the way, assist patient with other activities of daily living. Then maintain adequate food and fluid intake, first serve well balanced diet, plenty of fiber such as vegetables, whole wheat, fruits to prevent constipation, allow plenty of time off for meals, inform patient which meal it is and what is there to eat, do not serve food too hot or too cold, if the patient is on fluids maintain adequate fluid balance chart, provide prompt assistance to eat and drink adequate amounts of foods and drinks. Nursing management continue, facilitate the development of socially acceptable behavior, first decrease socially inappropriate behavior by reinforcing socially acceptable skills, avoid overcorrection, repeat necessary information, focus on the positive behaviors of the patient rather than
dwelling on the mistakes and or failures give appropriate reward for positive behaviors showed by the patient. Ignore unacceptable behavior. Then facilitate orientation. Orient patient to reality in order to decrease confusion. उसको reality के साथ अपने को क्या करना चाहिए, orient करना चाहिए. Orient patient to time, place and person, especially when approaching. Provide clock with large faces to add in orientation to time. Use calendar with large writings and a separate page for each day. Provide newspapers, magazines and journals to stimulate interest in current affairs. Then increase interest in surroundings. Allow patient to chat and play with old friends to relive the past. Make sure that each day has activities of interest, if possibly for demented patient. Go for a walk together, listening to music, watching an entertainment program on TV, and or talk about the activities of the day. Then involve family and community in the treatment and rehabilitation programs. Instruct patient to always carry an identity card with him in case he lost and could not find his way back after roaming about. Offer emotional support to the patient and family. Educate family on the disease process and how to deal with patient. Refer family to agencies and support group for people living with dementia for legal and financial advice and support where necessary. Then administer prescribed medication. Serve medication according to time and dosage to deal with hallucination and inappropriate outburst of patient. Antipsychotics, olanzapine, vitamin supplements, zolpidem and for insomnia, antidepressant for depression, tarsin, teracrine for memory deficit, icanafilance to slow the disease process. Other treatment approaches, avoiding antacids, avoiding the use of aluminium cooking utensils, avoid aluminium containing deodorants, NB. These help to decrease aluminium intake. Now the last difference between delirium and dementia. जो delirium और dementia के बीच में क्या क्या basic difference है उसके बारे में अपन देखते हैं. First of all, onset जो है delirium का acute होता है, abrupt होता है, rapid होता है, but dementia का जो grow है insidious होता है और slow होता है. Course, इसका जो कोर्स है डिलीरियम का फ्लक्चुएट्स करता है और इसके अंदर स्लो डिक्लाइन होता है. ये फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, बट डिमेंशिया के अंदर स्लो डिक्लाइन होता है हमेशा. देन रिवर्सिबिलिटी, डिलीरियम रिवर्सिबल है, डिमेंशिया इरिवर्सिबल है. अटेंशन इम्पेयर्ड हो जाती है डिलीरियम के अंदर और डिमेंशिया में इंटैक्ट early, often impaired, late. Early की तो intact रहती है पर जो remote है, जो late है वो impaired हो जाती है. Memory impaired, registration recent and remote. Impaired recent and remote. इसमें recent and remote दोनों impaired हो जाती है, but इसमें delirium में impaired registration recent and remote. Consciousness impaired, can fluctuate rapidly, or dementia में normal until later stage. Sleep wake cycle disrupted, usually normal. Other characteristics, duration hours to week, or dementia के अंदर months to years. Alertness impaired, और dementia में normal रहती है. Orientation impaired हो जाती है delirium में और इंटैक्ट अर्ली, इम्पेयर्ड लेट डिमेंशिया में. बिहेवियर एजिटेटेड, विड्रॉन और डिप्रेस्ड और कॉम्बिनेशन टाइप का होता है डिलीरियम में. और
अर्ली सिम्टम्स के अंदर इंटैक्ट रहता है डिमेंशिया के अंदर। स्पीच है जो इनकोहेरेंट रैपिड और स्लो होती है, इसके अंदर स्पीच डिमेंशिया में कोहेरेंट वर्ड फाइंडिंग प्रॉब्लम्स टाइप की होती है। देन थॉट्स एंड थिंकिंग, थॉट्स एंड थिंकिंग किस प्रकार की होती है डिलीरियम में, डिसऑर्गेनाइज्ड डिल्यूजन इम्प्रोवाइज्ड टाइप की होती है डिमेंशिया में। परसेप्शन हल्यूसिनेशन एंड इल्यूजन इसके अंदर शो होते हैं डिलीरियम में और यूजुअली इंटैक्ट रहते हैं अर्ली फेज के अंदर। एटियोलॉजी यूजुअली इमीडिएट कॉज आइडेंटिफाइड और नॉन, डिलीरियम का जो कॉज होता है वो नॉन होता है। देन यूजुअली नो इमीडिएट कॉज, जो तुरंत जो इसका जो कॉज है उसको फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता डिमेंशिया के अंदर। सो दिस इज़ द डिमेंशिया के डिफरेंस और डिलीरियम डिमेंशिया के डिफरेंस और कंप्लीट डिमेंशिया अपना कवर होता है। थैंक यू एवरीवन।